मशहूर एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी और मूसेवाला की हत्या करने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब इंदौर में भी सक्रिय हो गया है। जी हाँ, कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैलाश विजयवर्गीय के करीबी बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी दी है। इंदौर के बीजेपी नेता ने इस मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच से की है। पुलिस को दिए गए नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले बीजेपी नेता अमरदीप सिंह द्वारा इंदौर क्राइम ब्रांच को एक शिकायत की गई है कि वर्चुअल नंबर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। फोन पर कहा जा रहा है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, फोन उठा, तू मुझे जानता नहीं है। पूर्व में भी इस तरह के कॉल बीजेपी नेता अमरदीप सिंह को आ चुके हैं। पुलिस ने बताया कि 19 जनवरी को व्हाट्सएप के जरिए कॉल आया था। रात में अमरदीप सिंह को दो कॉल आए थे जिन्हें उन्होंने रिसीव नहीं किया, जिसके बाद उन्हें ऑडियो संदेश भेजा गया है जिसमें उन्हें धमकी दी गई है। जिस नंबर से कॉल आई थी वह एक वर्चुअल नंबर है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर फोन नंबर की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच में एक FIR रजिस्टर की गई है जिसमें कि एक एप्लीकेशन दी गई थी जो कि फरियादी है अमरदीप सिंह जो कि कनाड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके पास कल दो कॉल्स आए थे जिसमें कि वर्चुअल कॉल है जिसमें कि बाहर का नंबर लग रहा था, संभवतः वो वर्चुअल कॉल्स है। और उसमें ये उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, फ़ोन उठा, और इसमें कि उनके द्वारा बातें कही गई। उनके द्वारा बताया गया कि मुझे पूर्व में भी इस तरह की कुछ ऐसे कॉल्स आए थे। तो इस आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में IPC सेक्शन 506 507 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। सर, किस तरह की धमकी दी गई है? जैसा कि मैंने बताया कि उसने जो कॉल करने वाले ने जो कि वर्चुअल नंबर लग रहा है उसमें कॉल करने वाले ने बोला कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ और मेरा फ़ोन उठा, तू मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, तू जानता ही होगा। सर, फरियादी कौन है? सर, जैसा कि मैंने बताया अमरदीप सिंह फरियादी हैं जो कि कांडीजा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और बीजेपी संगठन में कार्य करते हैं। सर, कुछ फिरौती होती मांगी गई थी? नहीं, अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑलरेडी FIR रजिस्टर की गई है। इन्वेस्टिगेशन आई हुई तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि अमरदीप सिंह कारोबारी हैं, वे लंबे समय से इंदौर वन विधानसभा में सक्रिय हैं। बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव के दौरान इंदौर शहर के प्रभारी भी रहे हैं। फिलहाल वह ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के बीजेपी उपाध्यक्ष पद पर हैं। तो वहीं बहरहाल वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, इसके बावजूद ये कॉल आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई ने ही यह कॉल किया है या फिर ये किसी की साजिश है। इसी के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है।